टार और जीजीपी दोनों अगर ट्री फाइन को करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं टार को ही यूज करते हुए कर सकता हूँ। जैसे कि मैं टार और उसके बाद मैं -z cvf ही यूज करूंगा, और जो मेरा फोल्डर का नेम था जैसे कि एबीसी फोल्डर था, और यहाँ पे टार डॉट जीजी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं ये टार कंप्रेस करना चाहता हूँ। उसके बाद एबीसी फोल्डर जो फोल्डर जिस फोल्डर को मैं करना चाहता हूँ वो लेके मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पे एलएस करके देखता हूँ तो ये देखिए टार और जीजी दोनों कंप्रेशन उसने यूज कर दिए। ये देखिए ये मजीद ज्यादा कंप्रेस हो गया और ये सिर्फ 4 KB का है। इसी तरह ही अगर मैं इसको अनकंप्रेस करना चाहता हूँ तो टार -z xvf और उसके बाद जो मेरा टार डॉट जीजी फोल्डर है वो लिख दूंगा, और ये उसने डी यू माइनस एस एस टार करके मैं देखूँ तो एक्चुअल जो मेरा फोल्डर था उसका साइज 104 कर दिया। आप लोगों को अगर ये xvf क्या है इसकी नहीं समझ आई तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसका आप मैनुअल पढ़ सकते हैं, मैन स्पेस टार। यहाँ पे अगर टार का मैनुअल आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारे स्विचेस का इन डिटेल बताया हुआ है कि क्या करता है, जैसे कि सी क्रिएट करता है, इसी तरह वी एफ एफ आई के लिए होता है, ये सारे स्विचेस आप खुद पढ़ सकते हैं मजीद डिटेल के लिए।